हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं एक नई रेसिपी लेकर के आ गई हूँ जिसका नाम है अचारी बैगन। दोस्तों, आपने बैगन की बहुत तरह से सब्जी बनाई होगी, लेकिन आप एक बार मेरे तरह से अचारी बैगन बना करके देखिए, आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। ये बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है। अभी ठंड का मौसम चल रहा है दोस्तों, आपको मार्केट में अभी ताजे ताजे अच्छे बैगन मिलेंगे, उससे आप लाइए और इस तरह से अचारी बैगन बनाकर घर पे सबको खिलाइए, सबको जरूर पसंद आएगा। बहुत ही आसान है ये रेसिपी, बहुत जल्दी बनेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो के नीचे लाइक बटन प्रेस करना ना भूले। अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए बनाना शुरू करते हैं अचारी बैगन। अचारी बैगन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 छोटे साइज के बैगन लिए हैं। आप चाहें तो लंबे वाले बैगन भी ले सकते हैं, जो भी बैगन लीजिए दोस्तों, ये सभी से बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने यहाँ पे बैगन को अच्छी तरह से धो करके क्लीन कर लिया है और अब इसे हम लोग 4 टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे बैगन को इस तरह से 4 टुकड़ों में काट लिया है। मैंने यहाँ पे बस 4 तरफ से चीरा लगाया है दोस्तों, इसे पूरी तरह से कट नहीं करेंगे। देखिए, बहुत ही आसान है, आप इसे 4 तरफ से कट कर लीजिए। और फिर इन सभी में हम लोग थोड़ा थोड़ा हल्दी पाउडर इस तरह से डाल देंगे। तो यहाँ सभी में मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक कढ़ाई लिया है, गैस को मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया है। अब इसमें हम लोग डालेंगे 5 टेबलस्पून ऑयल, और ऑयल डालने के बाद एक एक करके हम लोग सभी बैगन को इसमें डाल देंगे और इसे फ्राई करेंगे। तो दोस्तों, गैस के फ्लेम को यहाँ पे हाई कर लें और सभी बैगन पे हम लोग एक एक टेबलस्पून इस तरह से ऑयल भी डाल देंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे बैगन को डीप फ्राई नहीं करूंगी, बहुत ही कम ऑयल में बहुत टेस्टी अचारी बैगन बनेगा दोस्तों। तो बैगन को हम लोग 4 से 5 मिनट तक इस तरह से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो अब 5 मिनट हो चुका है, देखिए हमारा बैगन कितनी अच्छी तरह से फ्राई हुआ है। तो दोस्तों, बैगन को हम लोग निकाल लेंगे। तो सभी बैगन को एक बर्तन में निकाल लेने के बाद इसी ऑयल में हम लोग आगे अचारी बैगन बनाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मसाले को रेडी कर लें। तो मसाले के लिए मैंने यहाँ पे कटोरी लिया है, इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच सरसों, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच मेथी के दाने, 1/2 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच अजवाइन और 1/2 चम्मच मंगरेला। दोस्तों, हम लोग अचार में जितने भी खड़े मसाले डालते हैं वो सारे मसाले को यहाँ पे लेंगे और अब इन मसालों को हम लोग मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद चलिए दोस्तों, अब गैस की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जो तेल बैगन फ्राई करने के बाद बच गया था उसे मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। तो इसमें हम लोग सारे खड़े मसाले जिसे हमने एक कटोरी में तैयार किया था उसे डाल देंगे। साथ ही इसमें हम लोग डालेंगे एक सूखी हुई लाल मिर्च और इसे 30 सेकंड के लिए हम लोग इस तरह से तेल में भून लेंगे। और फिर इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच पिसा हुआ लहसुन और 1/2 चम्मच पिसा हुआ अदरक और इसे भी हम लोग 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और 1 मिनट भूनने के बाद इसमें हम लोग डालेंगे कटा हुआ प्याज। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज प्याज लिया था जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, तो इसे भी भून लेंगे। तो प्याज को मैंने यहाँ पे लगभग 2 मिनट के लिए भूना है। तो दोस्तों, देखिए प्याज को यहाँ पे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इस तरह से लाइट ब्राउन करना है। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों, सारे मसालों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही, लग रहा है मैं अचार बना रही हूँ। तो अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। और इन सबको डालने के बाद दोस्तों, हम लोग इसे लगभग 1 मिनट तक भून लेंगे। तो 1 मिनट भूनने के बाद इसमें हम लोग डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज टमाटर लिया था जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, तो इसे भी डाल देंगे। तो दोस्तों, टमाटर डाले हैं तो साथ में नमक डालना बनता है, तो इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और नमक डालने के बाद इसमें हम लोग डालेंगे 1/4 कप पानी, इसे मिला लेंगे और इसे हम लोग ढाँक करके 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि टमाटर हमारा अच्छी तरह से गल जाए। और अब 2 मिनट बाद इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, टमाटर अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब इसे हम लोग चलाते हुए 30 सेकंड तक और भूनेंगे और इसके बाद इसमें हम लोग फ्राई किया हुआ बैगन को डाल देंगे। तो अब इसमें एक एक करके बैगन को डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी बना है दोस्तों, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, अब इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। बैगन डालने के बाद इसे मसालों के साथ मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इसमें हम लोग डालेंगे 1/4 कप पानी और इसे मिला लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए ढक करके पकाएंगे ताकि बैगन में सारे मसाले अच्छी तरह से चले जाएं। तो अब 1 मिनट हो चुका है, हमारा अचारी बैगन रेडी है, बहुत ही टेस्टी बना है। तो इसे अब थोड़े से हरी धनिया से गार्निश करेंगे और साथ ही इसमें हम लोग डालेंगे 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर और अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे फटाफट सर्व कर लेंगे।
तो डिलीशियस अचारी बैंगन रेडी है, बहुत ही फटाफट बन जाता है दोस्तों। तो आप इसे घर पे जरूर बनाइए और इसे चावल के साथ खाइए, पूरी के साथ खाइए, पराठों के साथ खाइए या फिर रोटी के साथ खाइए, सभी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो दोस्तों आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेरा रेसिपी कैसा लगा। अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए। और मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खाइए, पीजिए और खुश रहिए। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।